हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत, और इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण और मोहम्मद गजनी के बारे में, और देखेंगे कौन कौन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चंस याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता है। तो चलिए मैं आपको वही बताऊँगा कि कौन कौन क्वेश्चंस आपको एग्जाम टाइम में याद रखना है। सबसे पहले पढ़ते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ उसमें सबसे पहले कौन आक्रमण किया था, याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों के नेतृत्व में जो है, ठीक है, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चंस बनेगा कि अरब के तरफ से सबसे पहला आक्रमण किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का था, या एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था तो वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। ये पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में लगभग 6 से 10 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अरब का आक्रमण हुआ वो कहाँ पर उसने विजय पाया, तो याद रखना है सिंध पर। अरब ने सिंध को जीत लिया था वहाँ पे आक्रमण करके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अरब ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का राजा कौन था, तो याद रखना है सिंध पर किसका शासन था, दाहिर का। वहाँ पे राजा कौन था, दाहिर, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अरब ने सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ का एक्चुअल में राजा कौन था, दाहिर था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम सब पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो याद रखना है अल्पगिन जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस अल्पगिन का एक गुलाम था, और वो गुलाम जो था इनका दामाद ही था जिसका नाम है सुपुक्तगिन, ठीक है। सुपुक्तगिन जो था अल्पगिन का दामाद था, और याद रखना है इसी सुपुक्तगिन का जो पुत्र था वो था मोहम्मद गजनी। तो समझ में आ गया, ये मोहम्मद गजनी एक्चुअल में क्या है, ये सुपुक्तगिन का पुत्र था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपको अब याद रखना है वो याद रखना है यहाँ पर ये वाला, अपने पिता के काल में जो मोहम्मद गजनी था वो कहाँ का शासक था, तो याद रखना है खुरासन का। याद रखना है कि पिता के टाइम में वो मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था, खुरासान का शासक था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि मोहम्मद गजनी इनको जो है 2 उपाधि दी गई थी, कौन कौन, यमीन उद दौला, ये मोहम्मद गजनी को उपाधि दी गई थी, तथा यमीन उल मिल्ला, ठीक है। ये दोनों उपाधि किसको दी गई थी, मोहम्मद गजनी को दी गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है इस ये क्वेश्चन, ये जो मोहम्मद गजनी है इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 6 से 10 बार पूछा गया है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो याद रखना है 17 बार आक्रमण किया था। ये पॉइंट आपको रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है यहाँ पे, पहला ये याद रखना है कि इन 17 आक्रमण में सबसे पहला जो आक्रमण था मोहम्मद गजनी का भारत पर वो 101 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 101 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण था, और किसके विरुद्ध ये आक्रमण था, तो याद रखना ये राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण था, ठीक है। जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था 101 ईस्वी में, और इसमें जयपाल की क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि मोहम्मद गजनी ने सबसे चर्चित आक्रमण जो किया था वो किया था 1025 ईस्वी में। इसमें इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ का पूरा सामान इन्होंने लूट लिया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में जितना भी खजाना था इन्होंने लूट लिया। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गजनी ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, और कब किया था, 1025 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, नहीं इसके नीचे वाला पॉइंट आपको याद रखना है। पहले ये समझ लीजिए कि जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लगभग उन्होंने 20 लाख दिनार जो है उस वो संपत्ति हाथ लगी, और उन्होंने उसको हत्या कर उसको वापस ले जा रहे थे।
लेकिन जब वो ये संपत्ति ले जा रहे थे तो उसी बीच में एक और घटना हुई। क्या घटना हुई तो समझिए, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गजनी पर किसने आक्रमण कर दिया? जाटों का आक्रमण हो गया और उसमें से कुछ संपत्ति जाटों ने लूट ली। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर से सारा सामान लेकर मोहम्मद गजनी जा रहे थे तो उस पर किसने आक्रमण किया था? जाटों ने आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट आपसे ये याद रखना है कि जो मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण था, जब भारत पर अंतिम आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था? तो इन्हीं जाटों के विरुद्ध इन्होंने, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1027 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और क्यों किया था ये तो समझ में आ ही गया, क्योंकि इनकी संपत्ति कुछ उन्होंने लूट ली थी, इसलिए इन्होंने आक्रमण, इससे गुस्से के कारण इन्होंने आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध, और इसमें 1027 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में। ठीक है, 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे? याद रखना है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फ़ारूकी, ये सब जो थे मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम ये दोनों तो आपको याद रहना ही चाहिए। अलबरूनी और फिरदौसी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अलबरूनी जो थे किसके शासनकाल में रहते थे? मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। या फिरदौसी किसके शासनकाल में रहते थे? मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में और देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद हम सब चलेंगे सल्तनत काल और उसमें पहला पढ़ेंगे गुलाम वंश, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।